you trust in us, and we'll be champions. परम आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी, धर्मवीर जी, अजीत सिंह जी एवं सभा में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि हमारी जो ये नियमित गोष्ठी है जो इस 2 अक्टूबर को अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी, इसमें हम अलग अलग विषयों से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के, सामाजिक महत्व के, सांस्कृतिक महत्व के मुद्दों को चर्चा में लेते हैं और ऐसा प्रयास रहता है कि जिस भी विषय को हम यहाँ चर्चा में लें उसके विशेषज्ञ को यहाँ पर अपने भाव व्यक्त करने का मौका मिले और वो हमें लाभान्वित करें। इस कड़ी में हम सब इस बात से परिचित हैं कि अभी हाल में ही परसों राष्ट्र ने हिंदी दिवस आयोजित किया और इस अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र में कार्यक्रम हुए और मनन और मंथन का दौर रहा। तो इसी श्रृंखला को जोड़ते हुए हमने भी हिसार में हिंदी के एक अति महत्वपूर्ण ज्ञाता विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ल जी से अनुरोध किया कि जब सारा राष्ट्र इस बात की ओर अपने आप को आकर्षित कर रहा है तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस विषय को अपने अंदाज से रखिए। और उन्होंने इस विषय को थोड़ा सा आयाम देते हुए युग परिवेश की संवेदनाएं विषय को जोड़कर अपने भाव की अभिव्यक्ति रखने की बात कही। तो मुझे आपके बीच में और आज के विख्यात वक्ता के बीच में रहने का ज़्यादा अधिकार नहीं है और मैं अनुरोध कर रहा हूँ डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी से कि प्लीज़ कृपया आप आइए और अपने विषय के साथ हमें जोड़िए। डॉक्टर शुक्ल जी प्लीज। मित्रों, आप सबको सादर नमस्कार, प्रणाम और आशीर्वाद भी। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे यहाँ इतिहास के प्रोफेसर हैं, बड़े सुचारू ढंग से सर्वोदय की कार्यवाही को चला रहे हैं और एक विद्वान व्यक्ति हमारे सर्वोदय को मिले हैं। हम सब लोगों को यहाँ आने पर इनके ऊपर ज़्यादा गर्व होता है। इतिहास की नई नई पुरानी पुरानी बातों को खोजकर हम लोगों के सामने अखबार के माध्यम से, अपने व्याख्यान के माध्यम से रखते हैं और बड़ा ज्ञानवर्धन करते हैं। हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आज डॉक्टर साहब ने कहा कि हिंदी दिवस के संदर्भ में सारा राष्ट्र मना रहा है तो सर्वोदय भी विषय थोड़ा बड़ा पृष्ठ पेषण का हो जाता है। वही हिंदी की संवैधानिक स्थिति, वही राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, वगैरह वगैरह का रोना। 45 वर्षों के प्राध्यापकीय जीवन में हमने भी इसी को बड़ा पृष्ठ पेषण किया। हमने सोचा कि डॉक्टर साहब से निवेदन करें कि हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, मित्रों, मेरा बड़ा गहरा अनुभव हुआ है, बड़ा हिंसक समय है, बहुत हिंसक समय है जहाँ हम जब जी रहे हैं।
सामाजिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से, घरेलू दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी देखिए। आज जब हम टीवी पर देखते हैं, देश और विदेश के समाचारों के चैनल्स वगैरह देखते हैं, तो हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों सारा विश्व अशांत है, क्यों है? हम पुराने लोग हैं, हमने अपने देश के उस समय को देखा है। हम लोग गाँव के लोग हैं, हम लोगों ने गाँव में बड़ा अभाव देखा, खाने का अभाव, पहनने का अभाव वगैरह वगैरह, शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं, शिक्षा के साधन नहीं। तब हम बड़े शांत थे, हम में बड़ा अपनापा था। गांव में जब हम लोग पढ़ने जाने लगते थे तो झोला होता था, उसमें दो चार किताबें होती थी कंधे पर ले करके, और घर घर में जाते थे, भाई फलाना नहीं जा रहा है क्या, फलाना नहीं, बुलाओ उनको, ले चलें उनको, बुलाते थे और सब मिल करके जाया करते थे। आज अपने देश में, अपने गांवों में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में वो अपनत्व नहीं रहा, और बड़े लोगों में नहीं रहा तो बच्चों में तो कैसे आएगा? हमारे समय में बड़ों में भी अपनत्व की बात ये ठीक है। मैं इस बात को हमने सोचा, हमने कहा देखें आज हम इस बार बोलेंगे, यद्यपि थोड़ा सा विषय बड़ा क्रिटिकल है कि युगीन परिवेश और संवेदनाएं। युगीन परिवेश जैसा है, जैसा मैंने आपको कहा, दो घटनाएं एक मिथ कथा के रूप में कह करके आपसे फिर इसके बाद आगे चलूंगा। एक राजमहल, राजमहल के सामने बगीचा, बड़ा ही प्रासाद फैला हुआ, और वहाँ एक 20 वर्ष का एक राजकुमार टहल रहा था, और इतने में ही उस राजकुमार के सामने किसी शिकारी के तीर से बीधा गया, खून से लथपथ हंस आकर के गिर पड़ा। उस नौजवान ने उस हंस को गोद में उठा लिया और अपना जो राजकीय धारण किया हुआ था दुपट्टा, उससे उन्होंने खून पोंछना शुरू किया। इतने में ही एक दूसरा उसी की उम्र का राजकुमार आया, तमतमाया हुआ, हाथ में तीर और धनुष। उसने कहा, ये तो हमारा शिकार है, आप कहाँ लिए जा रहे हैं, मुझे दीजिए। पहले वाले राजकुमार ने कहा कि ठीक है, आपने इसको मारा, हमने इसको बचाया, मैं इसको नहीं दूंगा, ये मेरी शरण में आया है, और हमारी मानवीय संस्कृति, न केवल भारतीय, पूरे वैश्विक संस्कृति, पूरी मनुष्यता की संस्कृति ये कहती है कि जो शरण में आ जाए उसकी प्राण पण से रक्षा करनी चाहिए, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। दोनों में विवाद हो गया और ये विवाद न्याय राज दरबार में पहुंचा। राजा के महामात्य, महामंत्री, राजा, दरबार सब बैठे हुए थे, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। निर्णय दिया महामंत्री ने कि राजकुमार जो हाथ में तीर और धनुष लेकर थे, उनसे कहा, राजकुमार तुमने इसे मारा और किसी भी पर्पज से, किसी भी उद्देश्य से, और इस आदमी ने जिंदा किया, इसको जिला दिया, मारने वाले से बचाने वाले का ज़्यादा हक है और वो ज़्यादा मनुष्यता के नज़दीक है, और आपने इसको मारा, ये हंस इन्हीं का है, आपको नहीं। आप इस कथा को थोड़ा सा हमने छिपा के कहा है, वो बचाने वाला राजकुमार गौतम बुद्ध थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ, शुद्धोदन के लड़के। मारने वाले उनके चचेरे भाई थे देवदत्त जी। एक घटना ये, एक घटना और बता रहे हैं, आज की घटना, वर्तमान समय की घटना, और मेरे सामने हुई दिल्ली में। शाम को 5 और 6 के बीच में बड़ी भीड़ हो जाती है, ऑफिस वाले ऑफिस से आते हैं, कामगार लोग काम से छूटते हैं, अपने अपने घर की तरफ जाते हैं, बड़ी भीड़ हो जाती है, जाम की स्थिति हो जाती है। अब वो कौन सी जगह थी मुझे याद नहीं आ रहा है,
वहाँ बड़ी भीड़ और जाम लग गया लोग निकालने के लिए। और आजकल लोगों को इतनी जल्दी है जाने की, पहुँचने की और कामों में रहने के लिए, बता दीजिए तो सारी रात और दिन रहेंगे। लेकिन ऐसे समय में बहुत जल्दी से घुमा फिरा के अपनी बाइक अपनी मोटर में निकालने लगते हैं। उसी में एक बाइक वाले की बाइक दूसरे वाले की बाइक से छू गई, जिसको छू गई बाइक का ये नियम है कि आगे एक जरा सा कोई चीज़ पड़ेगी तो एक बार वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। और उसका पिता भी उसके साथ बैठा हुआ था, पिताजी उतर गए और वो गिरते गिरते बचा और दोनों में तू तू मैं हुई। और इसी बात पर जो पिता पुत्र बैठे थे, उस पुत्र ने बेल्ट निकाली अपनी और उस बेल्ट से लगा मारने उसको, और सारी ऐसी दुनिया खड़ी है। उस वक्त किसी को जल्दी नहीं थी कि हम अब चले जाएं, नहीं, हम तमाशबीन जब हो जाते हैं तो हमारी मनुष्यता मर जाती है, हमारे अंदर का की संवेदना मर जाती है, हमारे तीन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस समय पर हम भूल जाते हैं, सब देख रहे हैं। मैं डेढ़ हड्डी का आदमी जहाँ खड़ा था उसके साथ और भी खेलो, हमने कहा आओ हम लोग यहीं से बोल दें कि बेटा आप बस करो, बहुत क्षमा करो इसको। तो कहने लगे मुझे कि आप क्या ऐसा बोलेंगे, आपकी बात का इस शोर शराबे में क्या असर होगा। और इतना मारा और बाप वहाँ खड़ा हुआ बूढ़ा आदमी, वो कह रहा और मारो, अंत में वो मर गया मेरे सामने की बात, बाइक वाला मर गया, जिसकी बाइक से छू गया था बाइक वाला मर गया। फिर उसके बाद वो दोनों बड़े शान से बाप बेटे बैठ करके चले। दो घटनाएं आपके सामने मिथक, एक पौराणिक घटना हमने बताई आपको, एक ये घटना बताइए। तो मैं अनुभव करता हूं आप भी, हिंसक समय में हम जी रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को इतनी सी बात की भी सहिष्णुता नहीं है। त्याग तो दूसरों के लिए करना बड़ी दूर की बात रही, हमारी संवेदना मरती जा रही है। संवेदना होती ये है, एक समय वो संवेदना हम पढ़ चुके हैं, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता और संवेदना की बात हम ही कर सकते हैं, हम भारत वाले ही कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्री का आदमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में है, हमारे खून में है, हमारे ब्लड में है क्षमा करना सहिष्णुता त्याग, ये हमारी कल्चर में है, हमारी संस्कृति में है। तो ऐसी स्थिति में आज ये हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात है कि हम सारे के सारे लोग संवेदनहीन होते जा रहे हैं, और ख़ासकर हमारी नई पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा संवेदनहीन होती जा रही है। हमारे पास बड़ी बड़ी ऊर्जा है हमारे देश में नौजवानों में, मोदी जी को बड़ा गर्व है कि ये सबसे बड़ा देश विश्व का युवाओं का देश है, लेकिन यहाँ बोलते हुए राजनीति पर ज़्यादा ध्यान है उसका, मनुष्यता पर नहीं है, सत्ता पर ज़्यादा ध्यान है उनका, मनुष्यता पर नहीं है। इन युवाओं में क्या कुछ है ये उनके लिए बड़े काम की चीज़ है, असहिष्णुता उनके लिए बड़े काम की चीज़ है, जहाँ चाहते हैं अपना कार्यकर्ता बना करके और वहाँ कर देंगे और कार्यकर्ता लोग उनके लिए काम करेंगे, उनकी सत्ता के लिए काम करेंगे, उनके लिए देश सत्ता देश है, उनके लिए कुर्सी देश है किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन उन युवाओं का भला क्या इसी से होगा कि वो कार्यकर्ता बन करके सियासत के मोहरे बन जाएं, और सियासत के मोहरे बनकर कभी बीजेपी के बन जाएं, कभी कांग्रेस के बन जाएं, कभी लोक दल के बन जाएं, कभी इनेलो के बन जाएं, किसके बन जाएं, वो अपने कब बनेंगे इसकी चिंता न उन्हें है, न उनके माता पिता को है, और न हम जैसे अध्यापकों को है, न अभिभावकों को है। तो ये जो असहिष्णुता, ये जो नकारात्मक ऊर्जा जो है, इसको सकारात्मक दिशा में बढ़ाने के लिए हम लोग इसी बात को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं कि ये यूनियन परिवेश में, इस परिवेश में, हिंसा के परिवेश में, असहिष्णुता के परिवेश में हमारी संवेदना क्यों मरती जा रही है। इस पर आज हम आपस में व्याख्यान की शैली थोड़ा बदल कर हम आपस में विचार विमर्श की शैली अपनाएं। मैं आपसे अगर पूछूं, आप सब बुद्धिमान लोग बैठे हो, हमारी शहर की क्रीम बैठी हुई है, क्यों है असहिष्णुता इस तरह से, हमारी संवेदना क्यों मरती जा रही है,
आप कहेंगे सर हम सुनने आए हैं, हमसे प्रश्न मत करिए, हमको सुनाइए। तो हमने ठीक है, सहिष्णुता और असहिष्णुता के बीच केवल अ का फर्क है, मैं समास इसमें हो गया है। मित्रों, मैं अध्यापक रहा हूँ, जन्मजात अध्यापक। अध्यापक में और सब गुण होते हैं, एक बड़ा भारी अवगुण होता है, अध्यापक अपने आसपास के लोगों से बोले बिना रह नहीं सकता। अध्यापक लोग बैठे हैं, हम दिल्ली अगर यहाँ से जाएं और ऐसे बैठ के यूँ चले जाएं, बहुत से लोग चले जाते हैं, बिल्कुल काठ की मूर्ति, बिल्कुल संगमरमर की मूर्ति बनकर चले जाते हैं। गिरागढ़ी आया, हाँ भाई आ गया, उतर गए। ये साथ वाले से ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, क्या कुछ नहीं। हमारे जैसे अध्यापक लोग पूछते हैं, बेटा कहाँ जाओगे? तो बेटा शब्द एक ऐसा है जादू कर देता है, असभ्य से असभ्य, असंगत से असंगत, उद्दंड से उद्दंड को भी एक बार ये कहने के लिए विवश कर देता है, अंकल जी, दादा जी, ताऊ जी। वही बात विवेकानंद वाली बात, विवेकानंद को जब शिकागो में धर्म पर बोलने के लिए कहा गया तो सबसे बाद में तो नंबर दिया गया, हम गुलाम देश के थे और जीरो खींच दिया गया, इसी जीरो पर बोल। और इससे पहले 25 लोगों को सुन चुके थे अमेरिका के लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम स्पीकिंग समवर्स बिफोर यू, यह सुनते सुनते ऊब गए थे। हमारे महात्मा ने, हमारे भारतीय कल्चर में पले हुए उस गिरुआ वस्त्र पहने हुए महात्मा ने जाते ही कहला, मेरी प्रिय माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बस इन्हीं शब्दों ने जादू का काम किया। जो उठने के लिए, उठा कर उठने के लिए थे, सिट डाउन सिट डाउन, समझ स्पीकिंग, कुछ अतिरिक्त बात कह रहा है महात्मा, सुनेंगे सुने। तो जब हम कहते हैं बेटा कहाँ जाओगे, दिल्ली से नहीं अंकल जी, अब वो शुरू हो जाते हैं, आप कहाँ जाएंगे, और सारी दिल्ली कब आई, कब चली गई, कब हीरागढ़ी आई, कब बहादुरगढ़ आया, तो बड़े जल्दी हम अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं और बड़े आराम के साथ एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं इसी बीच में। और कई बार ऐसा भी हुआ है, अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, सवेरे 4:45 के करीब हम निकल जाते हैं घूमने के लिए, मैं और मेरी गृहलक्ष्मी। तो रास्ते में सड़क पर अगर कोई चीज़ पड़ी है तो मैं थोड़ा सा रुक करके जूते से ऐसे सरका देता हूँ कि इधर सरका देता हूँ ताकि कोई आए तो उनको गाड़ी चलती, इतना ही पहिया होता है, इतना बड़ा भी रोड़ा पड़ गया तो गाड़ी के गिर जाने का फायदा होता है, बाइक के गिर जाने का डर होता है। कई बार मेरी पत्नी को बड़ा बुरा लगता है कि एक बार उन्होंने कहा झाड़ू लाया करो घर से और इसको साफ करके चला करो। हमने कहा, मैं उनकी बात से मुझे थोड़ा सा कष्ट भी हुआ, लेकिन मैंने कहा औरत की काफ़ी बातें सहनी चाहिए और अपने घर वाली की जरूर सहनी चाहिए, नहीं घर में गड़बड़ हो जाता है। हमने उनको किसी तरह से टालते हैं हम। तो जब कोई विद्यार्थी दौड़ दौड़ता हुआ जाता है तो मैं सबसे राम राम करता हूँ, बिना किसी से बोले मैं सबसे राम राम, राम राम बेटे। इवन मैं अपनी बेटी की उम्र वाली, बहन की उम्र वाली अपनी महिलाओं से, अपनी बहनों से, बेटी बेटी राम राम, बेटी राम राम। एक दिन दो दिन नई नई आएंगे तो नहीं समझेंगे, बाद में कहेंगे ये बूढ़ा रोज राम राम करता है, मैं भी राम राम करूँ, राम राम अंकल, राम राम। अब उस राम राम के कहने से पूरा का पूरा परिवेश परिचित हो गया संवेदना से, राम राम ने जोड़ा हम सबको, हमारी बेटियों को हमसे जोड़ा, हमारे बच्चों को हमसे जोड़ा। और जो बच्चे कान में क्या लगाए रहते हैं आजकल, डोरी डारी सी, हाँ वो क्या कहते हैं उसको, तो वो कान में लगाए हैं, बोल रहा है, फिर दौड़ रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैं जोर से कह देता हूँ बच्चों राम राम, तो जब कोई सुनते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक दिन एक बच्चे ने कहा, दादा डिस्टर्ब न किया करो। अरे बात बात तो सही है तुम्हारी, डिस्टर्ब तुम हो जाते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, डिस्टर्ब नहीं करते, मैं तुम्हें थामता हूँ, थोड़ा रुक जा रहा, सांस ले ले, चल कोई बात नहीं, कल से नहीं। और एक दिन एक बड़ा अच्छे घर का बच्चा, मोटा तगड़ा सा आ रहा था, जब आया मेरे पास तो मैंने उससे पूछ लिया, बेटे कहाँ से आते हो? पहला ही मेरा प्रश्न सुनकर उसने प्रति प्रश्न किया, क्यों? मैं बड़ा भौंचक्का रह गया।
मेरी पत्नी गुस्से से भर गई कि बुढ़ऊ अब देखो क्या होगा। तो हमने कहा भैया बेटा क्यों करें, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम मेरे पोते हो, दादा पोते का मिलन हुआ है, तो एक परिचय का दायरा तुम्हारा बढ़ जाएगा, मेरा तो बढ़ा ही है। उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, कुत्ता लिया हुआ था कुत्ता, और कुत्ते को लेकर के चला गया, ना हाँ बोला ना बोला, न हमें आगे भी कुछ कहा, न कुछ भी नहीं चला गया। इसके बाद से भगवान की कृपा से वो दिखाई नहीं दिया, उस रास्ते पर आया नहीं चला गया। इसी तरह से हम बहुत से लोगों को एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो ये सब, इन सब के पीछे क्या बात है, ऐसा क्यों है? मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है आपका अनुभव भी हमारे अनुभव में साझीदार हो। ये बाजारवाद के चलते आप देख रहे हैं हमारी नई पीढ़ी में, कॉलेज लेवल, हम कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ाया, हम पीछे पीछे जाते हैं बच्चों के, और बच्चे क्या बातचीत, उनकी बातचीत का संदर्भ क्या है? आज तक मैं विद्या कॉलेज के विद्यार्थियों के मुँह से देश के बारे में नहीं सुना। मैं सच कह रहा हूँ, किसी भी विद्यार्थी आप दो चार बैठे हैं, क्या लड़के क्या लड़कियाँ, और उन्होंने देश के बारे में कोई बात नहीं, क्या रहा यार ये हो रहा ये हो रहा, और ये तो बहुत गड़बड़ है। तब मुझे उन नौजवानों की तुलना मैं चंद्रशेखर आज़ाद और वीर भगत सिंह और राजगुरु से करता हूँ कि मेरे शहीदों तुम किस माटी से बने थे? बताते हैं चांदनी चौक में होली खेल रहे थे लोग, और ये बहादुर नौजवान हमारे 1800 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नौजवान जा रहे थे, किसी ने कहा कि आओ थोड़ी देर होली देख लें, कहा नहीं ये होली खेलने दो, अभी हमारा होली खेलने का वक्त नहीं आया, अभी तो हम अपने खून से होली इनके अंग्रेजों के साथ खेलेंगे, तब हमारा वक्त आएगा, तब हम होली खेलेंगे। अब ये हमारे बहादुर रुके नहीं, अपने कदम को रोका नहीं, आगे बढ़ गए अपने लक्ष्य। इन जवान लोगों की बातें आप पीछे से सुने और कभी अनुभव करें, इनके पास ये कहते हुए बड़ा संकोच नहीं लग रहा है मुझे, मैं बड़े वितृष्णा के साथ कह रहा हूँ आदरणीय प्रोफेसर साहब के सामने, उनकी भी यही स्थिति होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। बच्चे बातचीत करेंगे कि आज यार इतना कर लें काम करके, फिर इसके बाद ये डिग्री मिल जाए, फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर ये करके और नौकरी लेंगे, राजनीतिक करेंगे, हाँ हम देना लेना, राजनीतिक सियासत दबाव सब कुछ करेंगे, नौकरी हमें लेना लेना है। अब जब नौकरी ले लेते हैं तो मित्रों आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव, कैसे ऑफिसर बनते हैं, कैसे अध्यापक बनते हैं, कैसे नागरिक बनते हैं, हमारे आपके अनुभव की बात है। तो ये बाजारवाद और हमारे सियासतदान लोग जब बोलते हैं हम लोग सुनते हैं उनको, कई बार तो हम अपने बच्चों से कहते हैं, कुछ डिबेट कराते हैं ना एंकर लोग, उन डिबेट में पूछा उस पार्टी वाले से, वो बोलने लगा तब तक दूसरा उसके ऊपर चढ़ बैठता है, वो न वो अपनी सुनने देगा ना उसकी सुनने देगा, और हम लोग जो ये चलान सोचते हैं कि चलो देखें देश में क्या हो रहा है, इनका विचार क्या हो रहा है, हम लोग ये बहुत अंदर ही अंदर कुंठित हो जाते हैं कि भाई कैसे हो तुम बोल रहे हो, उसको बोलने तो दो, इतनी बड़ी असहिष्णुता और बोलना कुछ नहीं, वही फालतू बातें, वही लफाजियाँ, कोई भी तर्क संगत बात उसमें नहीं होती। तो ये असहिष्णुता और लक्ष्य ऐसा कि केवल, मेरी एक पुस्तक आ रही है, छप गई है, आएगी तो मैं आप सबको भेंट करूँगा और यहीं प्रोफेसर साहब के हाथ से उसका लोकार्पण करवाऊंगा, देश राग, उस नाम रखा मैं देश राग, बहुत कुछ गीत नवगीत लिख लिए, तो मेरा मन कहा कि नहीं राधेश्याम देश के लिए लिखो कुछ देश राग, तो उसमें देश के प्रति उसकी भूमिका आप पढ़िएगा। मैंने यही लिखा है कि आज हमारे जीवन से, हम सब की दिनचर्या से देश गायब हो गया है, कभी भी हम खुद देश की बात नहीं, सुबह से शाम तक प्रमोशन, मैं 3 साल के लिए जब यहाँ से रिटायर हुआ जाट कॉलेज से, 3 साल के लिए हिंदी एमए
फिरोज गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज आदमपुर में आई थी, उनके प्रिंसिपल ने निवेदन किया हमारे प्रिंसिपल साहब से कि शुक्ल जी को 2-3 साल के लिए हमें दे दिए, इस्टेब्लिश कर दें हमारी हिंदी की। 2 बार राया हिंदी की प्रकाश चली गई, यहाँ से डिजॉल्व हो गई। मैं गया तो मैं जब जाया करता था तो बाइक से जाता था बस अड्डे पर बाइक खड़ी करके, और फिर बस जाती थी, उसमें 10 रुपये टिकट लगते थे, वो ले करके चले जाते पढ़ा। मैं अपनी सीट पर बैठता अपना मनन और चिंतन करते हुए, आज ये पढ़ाना है, आज ये करना है, ऐसे करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। हमारे साथ इसी शहर से लगभग 25 अध्यापक और अध्यापिकाएँ उसी बस से जाया करती थी। उनकी बातचीत का विषय आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य। उनमें साइंस टीचर भी होते थे प्लस टू वाले, और ये और वो, बहुत दलाली की बात। उस वक्त ये बड़े ऊंचे धाम पर थे हिंदू भाई, अपनी हिसार की ज़मीन, प्लाटों की बात, ऐसे की बात, ऐसे की बात, ये और वही बात आते समय भी होती थी। एक दिन एक साइंस टीचर थे, मोटे से 13 सेक्टर में रहा करते थे, वो टोंट कसने लगे अपने मित्रों से कि भाई ये शुक्ला जी जाते हैं, ये तो स्टैचू बन जाते हैं अपनी सीट पर, स्टैचू, न इधर देखना न उधर देखना, जाने किसमें ये नहीं आएंगे, जब जब मर जाएंगे तो यहाँ स्टैचू बनवा दें। सो कब मैं सुन रहा हूँ, देखिए आदमी इधर भी मुँह नहीं करता, इधर मुँह नहीं करता, मेरे हाँ में हाँ नहीं मिलाता, ना में ना नहीं मिलाता, चाहे वो उससे सहमत हो या कुछ तो जताए, और उनकी बातें मुझे बहुत पसंद। मैं ये सोचता था कि ये अध्यापक अपनी पुस्तकों की के बारे में कब बात करते होंगे, क्लास में पहुँचते होंगे और सिलेबस पढ़ाया, सिलेबस के साथ अपना पूरा हुआ, फिर इसके बाद अपना बैठ गए, फिर इसके बाद वहाँ भी बैठ गए, तो सिवाय प्रिंसिपल और हमारी जो मैडम होती थी वो इस प्रकार से बातें करती थी। अगर उनकी प्रिंसिपल मैडम हुई फिर तो आप उनको बड़ी जली कटी कहते हुए, और ये मैं उनको ऐसा कह दिया, मैंने तूने नहीं कहा और ऐसा किया हो। अब आप ये देखें कि इस प्रकार की के माहौल में संवेदना की बात की जा सकती है, और नौजवान हमारे देश का सियासतदानों के हाथ की कठपुतली बना हुआ कार्यकर्ता बन जाता, उसकी एक संज्ञा दी जाती है कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता कैसे हैं उनकी दिनचर्या देखिए, उनकी जीवनचर्या देखिए, उनका एक्सेंट देखिए, उनके बोलने चालने का तरीका देखिए। वो कार्यकर्ता केवल अपनी नौकरी पक्की करते हैं कि हम ऐसा करके इस करके ये कर लेंगे। तो मैंने उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये डिग्री भी हथियाते हैं, प्राप्त नहीं करते, डिग्री हथियाते हैं और नौकरी भी हथिया लेते हैं। तो ऐसे डिग्री हथियाने वाले, नौकरी हथियाने वाला हमारा जो नया युवा वर्ग है, वो देश की बात काहे को करेगा, उसके लिए देश कोई चीज ही नहीं है, उसके लिए देश सियासतदानों की तरह बस को लूटो और खाओ करो। अब संवेदना का अगला पक्ष आप लीजिए, आपने पढ़ा है नरोत्तम दास को, आपने पढ़ा है पुराणों के माध्यम से कृष्ण और सुदामा की मित्रता को। सुदामा एक निहायत थके हाल आदमी, धरती की धूल से भी और नीचे का कोई क्लास है तो वहां का शुरू हुआ आदमी। उनके मित्र कृष्ण सोने के महलों में विराजमान, त्रैलोक के अधिपति। अब देखिए साहित्य कैसे आगे बढ़ता है। नरोत्तम दास ने लिखा कि जाकर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, द्वारपालक से पूछ, द्वारपाल चाहता किसी तरह से हटे, वो खड़े रहते हैं, कहते हैं नहीं हमको श्री कृष्ण से मिलना है, मेरा नाम सुदामा है, श्री कृष्ण से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ। वो द्वारपालक सोचता था पगला गया है, इतना फटेहाल आदमी, इसके पाँव में जूती नहीं, शीश पगान झगा तनमे मन कानी को वाह बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपटी और उपाय उपान हटी नहीं सामा, पाँव में जूता जिंदगी से नहीं पहन रखा, और दुर्बल एक खड़े दुजे देख सुखाय विरामा, पूछत दीन दयालु के धाम बतावत अपन नाम सुदामा। दीन दयालु का धाम पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, हंस पड़ा, कहने लगा अच्छा खड़े रहो मैं जाकर कहता।
उसको विश्वास नहीं हुआ, कोई भिखमंगा दिमाग फिर गया है शायद। त्रैलोक के अधिपति सोने के महलों में विराजमान संवेदनशील व्यक्ति और यहाँ ये व्यक्ति आया, जाकर के उसने निवेदन किया। नरोत्तम दास ने लिखा कि बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाणे सुनि छाणे राजकाज। द्वारपालक ने कहा सुदामा पाणे आए हैं आपको पूछने, आपके मित्र पाणे। सुदामा नाम सुनते ही कितने वर्षों के बाद मिले थे, बूढ़ेपन में मिले, बचपन में साथ साथ शिक्षा प्राप्त, संवेदना की बात। सुदामा पाणे का नाम सुनते ही राजकाज सब एक तरफ छोड़ दिया और थाए दौड़ी दौड़ करके गए, दोनों हाथ जोड़कर बोले अरे मित्र सुदामा कैसे हो। संवेदनाएं मिली एक बड़े मित्र की, बड़े घराने के मित्र की और एक छोटे घराने के गरीब की, लेकिन संवेदना का स्तर मनुष्यता का स्तर एक रहा। दोनों रो रहे हैं। सुदामा कह रहे हैं नयन दोऊ जल भर पूछत कुशल हर, दीप्त बोल्यो विपदा में मोह पहचाने को, जैसी तुम कीनी तैसी करे को कृपा के सिंध। जैसी तुमने मेरे साथ बर्ताव किया है हे कृपा सागर, ऐसी ऐसा बर्ताव कौन करता है। दीनन सो दीनताई भला ऐसी माने को, दीनों से दीनता, दीनों के प्रति संवेदन संवेदन संवेदना ऐसी कौन मान। आज ठीक वही स्थिति, एक तरफ हम आप जैसे लोग हैं जो आज भी अपने गुरुओं का नाम होता है, पिताजी का, पिताजी और माताजी का नाम ले तो आंखों से आंसू झरने लगे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कितना, माता का नाम लेते ही मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरी माँ कितने कष्टों से मुझे पाला पहाड़ खाया, मेरे पिता कितनी कितनी आशाएं लेकर अपना क्या क्या त्यागा होगा, सारा जमुना गंगा जमुना हो जाती है। आज की पीढ़ी वंचित हो रही है संवेदना से, संवेदना से वंचित हो रही है। एक गीत मित्रों बड़ा प्रसिद्ध गीत है, मैं तो उसको कहता हूं कि इसको राष्ट्रीय गीत बना देना चाहिए, हर राष्ट्रीय उत्सव में इसको बजाया जाए, मेरे वतन के लोगों।